जो है आईटी की एक्ट 1962 की धारा 12 ए के तहत जो ट्रस्ट के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं, जो ट्रस्ट को दान करता है उसके ऊपर भी टैक्स, उसको भी टैक्स में छूट मिलती है एटीजी के तहत, और जो हम दवाइयां बनाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम सरकार को पे करते हैं, और उसमें भी क्योंकि पहले हमारे पास में दवाओं का इतना टर्नओवर नहीं था, ना हमारे पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे जैसे हमने उसको बढ़ाया तो जो ट्रस्ट वाली जो हमारी यूनिट है, जो दिव्य फार्मेसी जिसको हम कहते हैं, उससे हमने 7,74,00,000 रुपए जो है 1,04,03,00,000 रुपए जो है सीएसटी, और ये जो 7,74,00,000 जो है ये जो क्या बोलते हैं उसको वैट, ये हमने जो है ये दिया, और उसमें फिर क्या होता है कि वापस जब वो आगे जब दवाइयां बिकती हैं सेंटर्स के ऊपर जो हमारे पतंजलि चिकित्सालय हैं, तो उसमें जो बैलेंस आ जाता है वो 3,62,00,000 रुपए, 3,62,26,000 रुपए हमने ये 2003-04 से, क्योंकि ज्यादा बड़े रूप में कार्य शुरू हुआ, और 2003-04 से लेकर के 2009 तक का मैंने आपको बताया हमने जमा करवाया है, इसके पूरे पेपर हम पूरी तरह से सबमिट रखते हैं, कोई काम हम दो नंबरी का नहीं करते, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। आपने आपने जो कहा ना दो नंबरी काम नहीं करते, क्योंकि आपने कहा कि, और जैसा सब जानते हैं कि आपका ट्रस्ट है उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो दान देते हैं उनको भी टैक्स में छूट मिलती है, तो वो कहीं काले को सफेद करने का धंधा तो नहीं है? आप दान क्या कैश में लेते हैं? दान हमारा कोई कैश में नहीं लिया जाता है, सरकार ने खुद कई बार इंक्वायरी कर चुकी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी देता हूं, सरकार रीजनल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस कमेटी उसने बना करके सारे काम करके हमारे जो है ट्रस्ट के, तो सब हमारा तो कार्यालय कोई भी खुला जा सकता है, उसके अंदर कोई भी कैश का वहां पर दान नहीं लिया जाता है, और यदि कोई कैश का दान लेता है, छोटा मोटा दान कोई देता है, तो उसकी रसीद दी जाती है, तो कोई भी अनअकाउंटेड मनी नहीं, अकाउंट अनअकाउंटेड मनी उसको कहते हैं कि आप ट्रस्ट में पैसा ले रहे हैं उसकी रसीद नहीं दे रहे, तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो, जो इस देश की सुरक्षा के खिलाफ हो, बल्कि पाई पाई का हिसाब रखते हैं, चारित्रिक आर्थिक आपराधिक किसी भी दोष में मैं और मेरा ट्रस्ट और मेरे कोई भी जो शीर्ष जो अनुयायी है समर्थक है कोई भी इसमें गलत कामों में सम्मिलित नहीं, और अभी भी नेशनल इंटेलिजेंस इनकम टैक्स इंक्वायरी सरकार की चल रही है, और मैं तो एक सीधी सी बात करता हूं, हमने जब कोई पाप नहीं किया तो सांस को आज का जो भी सरकारी इंक्वायरी चाहे करवाए ना, मैं तो सामने से निमंत्रण दे रहा हूं। तो फिर आपकी कांग्रेस से क्या दुश्मनी है? मेरी कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं, मैंने कभी भी कांग्रेस के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि मैंने कांग्रेस क्योंकि आज रूलिंग पार्टी है इसलिए मैंने प्रश्न पूछा कि आखिर आजादी के इन 64 वर्षों में करीब 55 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस का शासन रहा और करीब 400,00,000 करोड़ रुपए के काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है, जिसमें 300,00,000 करोड़ रुपए करीब 70 से ज्यादा टैक्स हेवन कंट्रीब्यूट में 100 से 16,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिंदुस्तान में जमा हो जाते हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस नहीं बच सकती है, कांग्रेस को यह धन वापस देश को दिलाना पड़ेगा। तो ये अब हम आपको भी मंच दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता के सामने, क्योंकि बाबा रामदेव जी एक बात है, देश की जनता यह भी देखती है कि आप या आपका ट्रस्ट स्कॉटलैंड में आयरलैंड लेता है, आपके आप जब योग कराते हैं तो 5,000 रुपए हफ्ते के लगते हैं, तो इतना पैसा इतने करोड़ इतने सब दिखते ही हैं सबको, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने कहा कि मेरे पास में आज मैं जो है करीब 5 महीने से यात्रा कर रहा हूं, एक रुपए किसी से हमने कोई शुल्क का लिया है? जो है यदि आवासीय शिविर वहां पर कोई करता है, यदि 7 दिन वहां पर रहता है गरीब आदमियों के लिए, हमारे यहाँ पर वहां पर आवास खाना दवाई सब कुछ मुफ्त है, लेकिन समर्थ व्यक्ति जाएगा और यदि यहाँ कुछ भी जो है वो आश्रम की सेवाओं के लिए कुछ समर्पित नहीं करेगा तो ट्रस्ट कैसे चलेगा? और जहां तक मेरे शिविरों की बात है, सारे शिविर निःशुल्क हो रहे हैं, तो इस बात को आप बताइए ना कि सारे शिविर निःशुल्क हो रहे हैं। और जहां तक रही बात, मैंने कांग्रेस के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगाया, मैंने हमेशा भ्रष्टाचार काले धन और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बात की, और उसमें कांग्रेस जो है सामने से आकर के मुझे ब्लडी इंडियन और डॉग जो है एक कांग्रेस का सांसद कह जाता है, और उसके ऊपर कांग्रेस कोई बात नहीं करती है, बल्कि जो है बिना आधार के फिजूल की बातों में जो है देश के लोगों का ध्यान बटाना चाहती है, तो गलत बात है। कांग्रेस को जो उसके सांसद ने पाप किया उसके लिए माफी भी तो मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, हमसे बात करने के लिए बाबा रामदेव जी। हालांकि आपने कांग्रेस के सांसद की बात की, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं हम, ये थी बाबा रामदेव की सफाई उन सीधे साफ 5 सवालों पर जो देश पूछना चाहता। बाबा रामदेव से 5 सवाल जारी है, जल्द लौटते हैं।
अपनी खास पड़ताल आपको आज दिखाने जा रहे हैं। अनुमान है कि 1152 करोड़ ट्रस्ट की संपत्ति है आपकी, आपका कहना है कि इससे भी ज्यादा हो सकती है। आप यदि 1100 करोड़ रुपए का अनुमान लगा रहे हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1152 करोड़ के से बात शुरू हुई, जो पड़ताल में निकला कि आपके पास 1152 करोड़ की संपत्ति है आपके आपके ट्रस्ट के पास, 903 करोड़ रुपए के आसपास है। ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट मेरे पास में है। हमारा ट्रस्ट है पतंजलि यूपी ट्रस्ट, उसके पास में 212 करोड़ रुपए। स्टार न्यूज आपको रखे आगे। स्टार स्पेशल के प्रायोजक हैं रूपा फ्रंटलाइन वेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज या आराम का मामला है, महिंद्रा जाइलो द टाइम ऑफ योर लाइफ, एलजी मोबाइल फोन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जीने का लाइसेंस, पैनासोनिक आइडियाज फॉर लाइफ, फिलिप्स होम डेकोरेटिव लाइटिंग, विडिकॉन मोबाइल सर्विसेज, पकड़ो लाइफ का हर सिग्नल, नसाका पियो हेल्दी जियो हेल्दी। मैक्रोमैन प्रीमियम इनर्स का बिजली वाला घर। ए कौन था वाला लो कबे कबे अच्छा बोल जो खराब रे तेरे भी नींद जो बा अच्छा बोल थारे ए जे ए जे अच्छा बेरे सालांडो चाकुला कैले राजेश मसाला डब्बे अपने ज्यादा देर तक जबरदस्त ताजगी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच इज स्पॉन्सर्ड बाय कुंभट होलोग्राम। पल पल मार्केटिंग खबर रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आई जस्ट गो विद द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड LIC। LIC है तो कहीं और क्यों जा रहा। अक्सर चीजें उम्मीद से पहले ही पुरानी हो जाती हैं। अगर गाड़ी को नया रखना है तो अपनाइए इंडियन ऑयल का सुपर क्लेंजर्स वाला एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्रॉम इंडियन ऑयल। अरे हर को वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। पलट दो बारिश का असर, वेदरकोट ऑल गार्ड एक्सटीरियर पेंट, इसमें है सिलिकॉन जो दीवार पर पानी टिकने ना दे, आपका घर हमेशा चमकता रहे, फंगस फ्री और 100% रे। बेटी है तो सवाल है, सियासत है तो सवाल। इन्हें केवल स्तनपान की जरूरत है और इसके बाद स्तनपान और पर्याप्त पूरक आहार की। 6 महीने का होने पर शिशु को गेहूं या चावल के आटे का दलिया खिलाओ। घर में बना बिना मिर्च का भोजन घोट कर दो। फल और सब्जी भी दो। पूरक आहार दिन में 5-6 बार खिलाओ और स्तनपान भी 2 वर्ष तक जारी रखो। बढ़ते शिशु की बढ़ती जरूरतें पूरी करें पर्याप्त पूरक आहार से। अगर सीमेंट संगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है।
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंगरोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंगरोधक सीमेंट। क्या तूफान करे बदहजमी गैस एसिडिटी जैसी पेट की तकलीफों का हल तुरंत। तो मिस्टर पेट की सुनो सिर्फ गैस ऑफ़ सुनो। खूबसूरत ख्वाब हूँ मैं, जमीन पे आफ्ताब हूँ मैं, कोमल एहसास हूँ मैं, नारियल तेल की कोमलता युक्त वीनस मुझे दे सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में ललित भनोट, वीके वर्मा गिरफ्तार, बाबा रामदेव की संपत्ति की सीबीआई जांच हो कहना कांग्रेस का, और दारुल उलूम के वीसी बने रहेंगे मौलाना वस्तानवी। कांग्रेस और बाबा रामदेव के बीच तलखी पिछले कुछ अरसे में काफी बढ़ गई है। कभी रामदेव काले धन के बहाने कांग्रेस और उसकी सरकार पर हल्ला बोल देते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता रामदेव को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। काला धन समाप्त होना चाहिए, हम इसके पक्ष पर है, लेकिन 12 साल के अंदर महाराज जी आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए, जरा उसका भी तो हिसाब हमको दे दे। कांग्रेस ने एक आदमी इसी बात के लिए छोड़ रखा है कि सबको गालियां देनी हो तो एक दिग्विजय सिंह को छोड़ रखा है, अच्छे आदमियों को गाली देनी हो तो उनको छोड़ रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो उस हर बात का जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा योग गुरु रामदेव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को कोसते हैं, वो अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दे। यह है कांग्रेस और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच चल रहे घमासान की एक झलक। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जैसे मोर्चा खोल दिया है। कभी दिग्विजय सिंह रामदेव को निशाना बनाते हैं, तो कभी रामदेव दिग्गी राजा और उनकी पार्टी पर हल्ला बोल देते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी का पैसा देशों के साथ धोखा करके गद्दारी करके लूटा हुआ पैसा कहाँ जमा होता है बोलो दिग्गी बाबू? बाबा का तो 100 बार इंक्वायरी कर चुकी है तुम्हारी गवर्नमेंट। मेरे ट्रस्ट में आज तक करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सहयोग प्रदान किया, 11 रुपए से लेकर के 1100 रुपए से लेकर के 11000 का एक एक पाई पाई का हिसाब है मेरे पास, और गवर्नमेंट को जमा कराता हूं हर साल 100% ऑडिट होता है। और गवर्नमेंट ने हम तो खुद सामने से देते हैं। अब मैं कांग्रेस का हिसाब पूछूंगा। बाबा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि सबको एक लाठी से ना लपेटा करें, सोच समझ के बयान दिया करें। दूसरी तरफ बीजेपी बाबा के बचाव में उतर आई है। बीजेपी का आरोप है कि सियासी वजहों से कांग्रेस रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ये दिग्विजय सिंह जी इनकम टैक्स के कमिश्नर नहीं है, दिग्विजय सिंह किसी सदन के सदस्य भी नहीं है, और जहां तक जो काले धन का मुद्दा उठाए उसी पर वही वापस बॉल फेंक दिया जाए और संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया जाए, इसके हम ये मानते हैं कि स्वामी रामदेव के बयान से कांग्रेस विचलित हो गई है। जाहिर है बाबा रामदेव अभी चुनावी मैदान में भले ही पूरी तरह से ना उतरे हों, लेकिन सियासी बयानबाजी के घमासान में वो पूरी तरह से कूद पड़े हैं। वैसे कांग्रेस और रामदेव के बीच अनबन कोई नई बात नहीं है, ये कड़वाहट तो तभी से चल रही है जब से रामदेव ने भ्रष्टाचार और कालेधन के मुद्दे पर मनमोहन सिंह की सरकार को निशाना बनाना शुरू किया है। वर्तमान केंद्र सरकार ने षड्यंत्र करके लोकतंत्र को लूटतंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना दिया। सरकार इतनी अंधी, इतनी बहरी, इतनी गूंगी, सब कुछ जानते हुए भी सच नहीं बोलती, इतनी असंवेदनशील हो गई है। लेकिन रामदेव और कांग्रेस के बीच जारी है राजनीतिक लड़ाई, हाल ही में निजी आरोपों प्रत्यारोपों में बदल गई। इस तलखी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में रामदेव के एक योग शिविर के दौरान हुई। शिविर के दौरान रामदेव भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा उठा रहे थे। रामदेव का आरोप है कि एक योग शिविर में मौजूद अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग उनकी बातों से इतना बौखला गए कि उन्हें अपशब्द कहने लगे। आइए ऊपर एमपी साहब और आज साहब भी दिखाइए, मैं कहता हूँ लाइव दिखाओ। ये पहले एमपी आया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से रोकता है। ये बात कि मुझे बोलता है इंडियन, ये कहने की हिम्मत। हालांकि कांग्रेस सांसद एरिंग अब इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। मैंने जो शब्द कहे मैं क्लियर कट में आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा, वहां हम जब योग कर रहे थे मैंने कहा बाबा जी हमको योग सिखाइए, हमको राजनीति नहीं सीखना है। अभी हमारे ऊपर तो पूरा गलत आरोप लग रहा है।
कांग्रेस से सांसद की सफाई के बाद रामदेव को अपशब्द कहे जाने का विवाद तो कुछ दब गया था, लेकिन रामदेव ने कालेधन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमले और तेज कर दिए, जिसके जवाब में अब कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। दोनों पक्षों के मौजूदा तेवर देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में रामदेव और कांग्रेस की लड़ाई और तीखी हो सकती है। तो ये थे बाबा रामदेव से वो अहम सवाल जो देश जानना चाहता।